करता है वापस जाने को? बहुत दिल करता है, आज सही हो जाए भाग जाऊंगा मैं, आज वो सही हो जाए सब छोड़ दूंगा, सब छोड़ के भाग चला जाऊंगा। मैं तो कहता हूँ हर सियासतदान को सिर्फ एक साल, उससे के सियासत में आने से पहले एक साल के लिए इन्हें बाहर भेज। अभी मैं हो गया हूँ तैयार, जा रहा हूँ नीचे, लेकिन आखिरी बार ना ज़रूर होटल को चेक करना चाहिए कि कहाँ कोई चीज़ आपने मिस तो नहीं कर दी, कोई भूल तो नहीं गए। फिर बाद में मसले होते हैं, कुछ होटलें चीज़ें वापस कर देते हैं, कुछ के फिर हाउसकीपिंग में मसले आते हैं तो फिर वो नहीं देते। अब मैं यहाँ से बैग ना बहुत हैवी हो गया, मुझे ये लग रहा है कि लैपटॉप ना टूट जाए कहीं, तो इसको सेट थोड़ा सा करना है मुझे, अल्लाह करेगा नहीं टूटेगा, लेकिन यूं लग रहा है मुझे कि इस पर बर्डन थोड़ा ना ज़्यादा आ रहा है और मैंने कपड़ों की सेटिंग सही नहीं की है। बैग मैंने इसलिए लिया कि एयरपोर्ट पे जब ट्रेवल कर रहे होते हैं ना, यहाँ की लोकल फ़्लाइट के ना एक्स्ट्रा बैग के पैसे ले लेते हैं, वो 70, 80, 75 इस तरह से वेट पे भी होता है, कभी कभी $100 भी ले लेते हैं। अब आप ज़ाहिर है ट्रेवल करेंगे, कम से कम एक बैग आपके पास होगा, तो जो चीप एयरलाइन है जैसे स्प्रिट हो गई, साउथ वेस्ट हो गई या कुछ, वो आपसे चार्ज कर लेती हैं, फिर बंदा फंस जाता है और इस वजह से फिर जो है ना आप थोड़ा तंग हो जाते हो कि यार अब इसके पैसे अलग दें। तो फिर मैंने शोल्डर बैग ले लिया, इसमें इतना सामान आ नहीं रहा, हालांकि बहुत बड़ा स्पेस है लेकिन कम सामान आ रहा है, तो ये बचत हो जाती है यहाँ लोकल ट्रेवल में। अगर आपके पास बैग होगा तो प्रॉब्लम ज़्यादा होगी, पैसे ज़्यादा लेंगे। अब दोस्त आ गया, यहाँ से आगे जाना है, एक मॉल है वो भी देखेंगे, नाश्ता भी करेंगे, कोई कॉफ़ी पी लेंगे, उसके बाद मज़ीद देखते हैं क्या आज का दिन किस तरह से गुज़रता है। ताएँ तकलीफ मिली हुई और यहाँ देखिए ये भी होटल है, इधर पीछे भी बहुत बड़ी पार्किंग है। ये एक्चुअली शायन जो है स्काई ड्राइवर है, ये नंबर प्लेट
यहाँ इनके खाने में आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या पकाते हैं। हलाल है सब कुछ, और हलाल गोश्त होता है, चिप्स वगैरह, छोले, भिंडी, वाइट सफ़ेद चावल, ये अपना सब्जी के साथ चावल बनाए हैं, वो थोड़ा सा मीठा है अफगानी, ये बारबेक्यू, सॉरी ये अपने सालन है सारे, चिकन स्पाइसी कड़ी और कबाब, शेंजा कबाब, चिकन ब्रेस्ट कबाब, गोभी दा कबाब, ये अरबिक डिशेज हैं सारी। इसके साथ यहाँ देखें ये सारे पिकल्स वगैरह, चटनी, और ये इधर सलाद रायता, ये मुझे बहुत वैसे अच्छा लगता है, लेकिन अरबिक डिशेज हैं यहाँ। तो ये मॉल में फूड कोर्ट है, और फूड कोर्ट में अच्छा है। कैसे लगा शायन? अच्छा लगा, जबरदस्त खाना, अच्छा था ना? बहुत अच्छा था। देसी खाने मिलना बहुत मुश्किल है यहाँ पे, मसला ये है कि बहुत जबरदस्त है। चाय लेंगे बात? हाँ, वो कह रहे हैं होती नहीं है, लेकिन बना के दे रहे हैं हमारे लिए। रेडी है? ठीक है, ओके। लाहौर से इनकी वाइफ कराची से, हमारे आते रिश्तेदार कराची से, मैं भी लाहौर से। मैं आपका नाम सर? मेरा नाम जावेद। जावेद भाई, और आपका सर? मेरा तारिक अब्दुल मालिक। भाई बात सुने, यहाँ तो शहर नहीं देखे जाते, यहाँ देखा जाता है मुल्क। हम तो एक ही मुल्क से हैं। कभी ह्यूस्टन में तो मेरे बहुत सारे पाकिस्तानी हमारे हैं, इधर थोड़े कम मिल रहे हैं। इधर इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये है कि इधर है। अच्छा, लेकिन आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी, हम मुल्क की बात करते हैं। सबसे बड़ा मॉल यही है ना इनका? यहाँ का से, राले का सबसे बड़ा। अच्छा, राले का इस मॉल की क्या खसूसियत क्या है, खास बात बताएं? ये तकरीबन 75 ईयर्स ओल्ड है, और यहाँ पे आपको सब चीज मिलेगी, और बाकी मॉल काफ़ी बंद हो चुके हैं कोविड के अंदर। ये ऐसा मॉल है कि जो एक ही मॉल चल रहा है अपना। तो राले आने का आपका वजह क्या थी, क्योंकि सारे तो साउथ उधर भाग रहे थे? मैं तो कई जगह पे, मैं बीसीसीआई में था, बैंक में, बीसीसीआई बैंक में था, वहाँ से फिर दुबई लंदन, लंदन से अमेरिका में ट्रांसफ़र। जब बैंक बंद हुआ तो मेरे भाई के साथ आपकी टोरट थे हमारे। अभी ये कहते चाय हमारे पे होती नहीं है, लेकिन मैं आपको चाय बना के देता हूँ। ये भाई देखें, हमारे पाकिस्तानी भाई चाय के पैसे भी नहीं ले रहे, और कह रहे पता होता तो खाने के भी नहीं लेता, लेकिन हम दे के जाते। आप नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। आप, आप, आप आपका हक है, और भले कोई भी नहीं नहीं हम नहीं नहीं आपकी बड़ी मेहरबानी है, आप जैसे आप लोग हैं तो हम हैं। हर जगह पे मिलते खुशी होती है यार, अपने मुल्क में शायद इतनी कदर नहीं हो, बाहर बहुत कदर होती है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। हमसे पूछे जो बाहर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ हर सियासतदान को सिर्फ एक साल, उससे कहें सियासत में आने से पहले एक साल के लिए इन्हें बाहर भेज दें, वहाँ और उनसे क्या काम करें, और साल बाद वापस आ ये सुधर जाएंगे, मुल्क की कदर पता चल जाएगी, मुल्क की कदर पता चल जाएगी कि हम किस तरह यहाँ पे क्या करते हैं, कितना काम करते हैं। मैं बिजनेस है, अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी मतलब ये है कि मैंने जितने भी लिया था आदमी सोच भी नहीं सकता, $4,00,000 दिए थे। अच्छा, और ये लेके मैं बैठा हुआ हूँ, 10 साल हो गए, और मैं 7 दिन काम करता हूँ। इन पाकिस्तानियों वहाँ पे बैठे हुए याशियाँ कर रहे हैं, इनसे बोले कि आगे यहाँ पे काम करके दिखाएं। 7 दिन काम करता हूँ, और मेरा आवर्स जो है ना 10 से 12, 10 to 12 hours a day। 7 दिन काम? 7 दिन। अभी मुझे पिछले दिनों लास्ट वीक ट्यूसडे को यहीं पे खड़ा हुआ था, एकदम से वो चक्कर आया और मैं गिरा हूँ, मैं एम्बुलेंस बुलाई, हॉस्पिटल गया हूँ, आर्टरी ब्लॉक, 3 arteries ब्लॉक। ये मेहनत है, और हमारे लोगों का। मैं आज दुकान पे खड़ा हूँ, मुझे परसों मेरी एनजीओ किस दिन हुई थी, जुमरात को मैंने सिलेंडर है, जुम्मा हफ्ता, कल मैं दुकान पे था, आज के दुकान।
बड़ी सलाम है, अहमद है आपको सही। ये देखें ना, आप वहाँ बैठे हुए याशिया ये कर रहे हैं, मुल्क का खाए चले जा रहे, गरीब मर रहा है, उसके पास खाने को नहीं है, गरीब के पास खाने को नहीं है। जितने हमारे बाग ये वो होते हैं, हम देखते हैं, हम जो कंस्ट्रक्ट है वो होता है कि भाई हाँ, ये मुल्क जो चल रहा है, ये आप देखें ना, ये जितने पाकिस्तान में लोग गरीब हैं या जो भी हैं, हर आदमी का 1-2-3 आदमी बाहर है, वो पैसा भेज रहे हैं, उनके घर चल रहे हैं। अगर जैसे वो रुक जाए तो मैं देखता हूँ ये सब बाहर आ जाएंगे, और ये सब जितने भी हैं इन सब का तत्ता वस्ता सब लड़ दे। हमारे यहाँ फौज अदलिया और ये क्या कहलाते हैं अपना फौज हो गई, अदलिया हो गई, और सारे सियासतदान हो गए, मीडिया हो गई, मतलब ये कि ये बस हर चीज़ खाने पे चल रही है। एक बस खान जहाँ से पैसा मिले वो मुल्क तबाह हो जाए, इन्हें किसी को किसी की परवाह नहीं। अब देखें डॉलर कहाँ तक जाके लगा है, मतलब कोई दुख बनता है। हमें अच्छा लगना चाहिए कि हम यहाँ डॉलर भेज दिए, लेकिन नहीं, हमें ये दुख होता है कि हमारा मुल्क तबाह हो गया है। डॉलर की कीमत कहाँ पे 60-65, पहले जब हम आए थे जब ये 40 something चल रहा था, 33 से लेके 36 something। आप देखे ना कहाँ चला गया है, पहले इंडिया के साथ चल रहा था हमारा डॉलर, अब देखे वहाँ से वो इंडिया तो वहीं पे बैठा हुआ है, बांग्लादेश हमसे आगे, अफगानिस्तान हमसे आगे, अफगानिस्तान जहाँ हुकूमत ही नहीं है उनका डॉलर तेरे, वहाँ तो सब कुछ चल रहा है भाई, वहाँ तो स्मगलिंग भी है, वहाँ तो कोई निज़ाम नहीं है, आपके पास तो निज़ाम है, बैंक है, मिनिस्टर हैं, आप भी पीछे हो वजह, और वो जंगों वाला मुल्क रहा है, जंगें लगी हैं सारी, कब से वो हो रहा है। वजह यही है ना कि हमारे सियासतदान, हमारे अदलिया, हमारी फौज, हर आदमी लगा हुआ है अपने खेल खेल रहे, सब खेल रहे उस मुल्क बेचारे से। यहाँ पाकिस्तानी जो आप हैं, आप तो क्या इसका हल क्या है, मतलब आपको तो दुख होता होगा, आप तो मतलब हर आदमी के साथ ये प्रॉब्लम, हर आदमी को दुख है। आप देखें ना, आप वहाँ पे हैं, आपको कितने पाकिस्तानी मिलते हो, वो क्या कहते हैं, हर आदमी को अपने मुल्क से मोहब्बत है। मैं जब बाहर आया था, इंडिया पाकिस्तान ऊपर हुआ करता था, इंडिया को आप कहते थे बहुत पीछे है, वो ज़माना और इंडिया हमसे कई गुना आगे चला गया है, हम भड़के मार रहे हैं, तो हमारी ज़िंदगी जो है वो भड़कों पे चल रही है कुछ नहीं अंदर से, सिर्फ भड़के ही है, सब चोर है, खाए जले इंडियन को आप कह देंगे, हर इंडियन है अपने मुल्क के लिए वो है वफादार है। बांग्लादेशी को देख लें, आप कह दें वो अपने आप को बांग्लादेशी कहते हैं, ये नहीं कहते हम, आप उससे कह दें ना मेरे पास वर्कर होते थे, हमसे हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं होते, इतना वो होता है। वो वर्कर थी हमारे लिए, वो काम कर रही थी, उस औरत को कभी कह दो ना पाकिस्तान, वो एक्सेप्ट नहीं करते, कहते नहीं हम बंगाली, बांग्लादेश बंगाली, मतलब ये कि वो हमसे कहीं आगे निकल गए और हम इसी चक्कर में लगे हुए कि बस, और मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, तबाह कर दिया। अब इसके उठने में बहुत टाइम लगेगा, आपकी देखिए ना, हर आदमी को काम करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। आप तो अभी आए हैं, आपको पाकिस्तान के हालात पता है, एक आदमी कमाता है 100-10 आदमी खा रहे हो, पहले टैक्स वगैरह नहीं था पाकिस्तान, हर आदमी टैक्स दे रहे हैं सब कुछ, वो टैक्स कहाँ जा रहे हैं, वो जो पैसा आया था सलाम सुल्तान का, वो कहाँ गया, लोगों का पता नहीं क्या कुछ हो सब, मतलब ये कि इन्हें ये नहीं पता कि यार किसका हम खा रहे हैं, गरीबों का, सलाबजदगानों का, और इनका खा के हमारा क्या बनेगा, ऊपर का कोई नहीं सोच रहा, जो ज़कात के पैसे खा लेते हैं उन हुक्मरानों को क्या फ़र्क पड़ता है, यही अब इनका क्या बनेगा मुझे नहीं पता, ये नहीं सोच रहे कि आगे भी हमने जवाब देना है, यहाँ तो हम अयाशियाँ कर रहे हैं। अभी दिल करता है वापस जाने को, बहुत दिल करता है, आज सही हो जाए भाग जाऊंगा मैं, आज वो सही हो जाए सब छोड़ दूंगा, सब छोड़ के भाग चला जाऊंगा, लेकिन आपको लगता नहीं है हो जाएगा, ये बात नहीं है, होगा इंशाल्लाह।
बिल्कुल सही। असल में हुक्मरान है जो जिन्होंने हमें इस हालत तक पहुंचाया, और अल्लाह करे कि भी कोई ऐसा नया हुक्मरान आ जाए जो कि ना पाकिस्तान के हालात को पाकिस्तान के लिए जो बेहतर हो वो कर सके, जो कि नज़र नहीं आ रहा अभी तक जो हालात चल रहे हैं वहाँ वहाँ पाकिस्तान में तो बेहतरी होती है। और आपका भी साईं तो कह रहे हैं भाई जिस दिन हालात बेहतर होंगे मैं चला जाऊँगा इंशाल्लाह। हालात पाकिस्तान के बेहतर हो गए तो हमें यहाँ ठहरने की जरूरत नहीं है, हम वहाँ कौन पाकिस्तान। ठीक है सर, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। चंद भाई ये हैं पाकिस्तान के लोग कितने परेशान हैं। यहाँ जो पाकिस्तानी वो लोग हैं ना स्पेशली जिन्होंने अपनी जवानी यहाँ दे दी, बाल सफ़ेद कर दिए, बुढ़ापा आ गया और रिटायरमेंट की ज़िंदगी वो अपने मुल्क में गुजारना चाहते हैं, वो ना खून के आंसू रोते हैं। इतनी मुआशी हालात ख़राब हैं और उसके बाद मुल्क के हालात इतने हमारे रोज़ बरोज़ बिगड़ते जा रहे हैं कि अब ये दोनों भाई मतलब बंदे भाई जो हैं ये काम कर रहे हैं अपने इस रेस्टोरेंट पर, लेकिन इनका दिल दुखा हुआ है, भरे हुए हैं। अभी बात करते करते वो जो है ना इतने जज्बाती हो रहे थे कि यार हमारे मुल्क के साथ क्या हो रहा है। तो भाई बस दुआओं से तो मुल्क तरक्की नहीं करते, दुआओं से बेहतरी थोड़ी होगी, लेकिन अमाल भी होने चाहिए जो हमारे अमाल नहीं है।